Hello everyone and welcome to the class of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is examples based on integration by parts. So, let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब mission देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन यूजिंग सुटेबल मेथड एंड अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन टू फाइंड एरिया एंड वॉल्यूम. अब हम देख रहे हैं लर्निंग आउटकम. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू नो हाउ टू यूज the method of integration by parts and how to solve examples based on integration by parts. आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को integration by parts का किस तरह से use करना है और उसका use करते हुए उसके ऊपर depend examples को किस तरह से solve करना है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. आज के टॉपिक में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर डिपेंड कुछ और डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स को सॉल्व करना यहाँ पर सीखने वाले हैं. लास्ट लेक्चर में भी हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर डिपेंड ही एग्जांपल सॉल्व करना सीखा है. हमें यहाँ पर आज भी वही सेम कंसेप्ट यूज़ करना है. ठीक है, तो देखिए हमारा आज का फर्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स डी एक्स. ओके, हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स है. हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है. क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. ओके, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है साइन रूट एक्स. अगर आपने समझा कि ये सिर्फ एक ही टर्म दिया हुआ है और इसे हम एक टर्म कंसीडर करके सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, थोड़ा सा कंसेप्ट रॉन्ग हो जाता है. जब भी आपको इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ में रूट एक्स दिखाई देगा तब आपको वहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है कि जब भी रूट वाला टर्म रहेगा तब आप उस रूट वाले टर्म को सब्सिट्यूट करेंगे. क्या करेंगे? सब्सिट्यूट करना है. क्या सब्सिट्यूट करना है? रूट एक्स इक्वल टू टी. ओके, जब भी हम सब्सिट्यूट करते हैं उसके बाद हमारा सब में पहला फर्स्ट टर्म क्या रहता है, हमें उस टर्म को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, तो देखिए हमें क्या टर्म मिलता है. डिफरेंशिएट करना है इसका मतलब कि हम दोनों ही साइड में डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में हमारा टर्म है रूट एक्स एंड राइट हैंड साइड में टी. हम सभी को पता है डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स. अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम डी एक्स की टर्म को एक तरफ लेकर आते हैं, जो भी x का टर्म है उसे एक तरफ लेकर आते हैं तो dx हमारा आ जाएगा
लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमारे पास रहेगा डी टी। लेकिन इसे हम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर वन। लेकिन यहाँ पर देखिए, इक्वेशन वन में वन अपॉन टू रूट एक्स डी एक्स इस तरह से कोई भी टर्म नहीं है। तो जब भी हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं और उसे डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी हमें टर्म मिलता है वो हमारा टर्म पहले से ही क्या होता है, एग्जांपल में गिवन रहता है। लेकिन यहाँ पर तो वैसा कुछ नहीं हुआ। तो देखिए, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमने रूट एक्स की जगह पर क्या पुट किया है, टी। रूट एक्स इक्वल टू क्या है, टी है। तो यहाँ पर भी हमें ये टू जैसे का वैसा, और जो रूट मिला है रूट एक्स, इसकी जगह हम लिख सकते हैं टी इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। इट मीन्स कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल टू जो लेफ्ट हैंड साइड में वन अपॉन टू टी है उसे हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, तो डिवीज़न का वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, टू टाइम टी इंटू डी टी। ओके, तो हम इक्वेशन नंबर वन में डी एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, टू टाइम टी इंटू डी टी। ओके, तो अब हम ये टर्म, अब हम इक्वेशन नंबर वन में यहाँ पर डी एक्स की जगह रखेंगे टू टाइम टी डी टी, और साइन हमारा जैसे का वैसा ही रहेगा, और यहाँ पर जो रूट एक्स है इसकी जगह हम रखेंगे टी। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा इक्वेशन नंबर वन क्या हो जाएगा। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स की जगह हम लिखेंगे टी, और डी एक्स की जगह हम लिखेंगे टू टाइम टी डी टी। तो अब हम इसे सॉल्व करने के लिए आगे क्या कर सकते हैं, सब में पहले ये जो टू है वो कांस्टेंट है, उसे हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिख देते हैं, टू टाइम साइन टी इंटू टी डी टी। ये जो टी है वो साइन का एंगल है, और ये जो टी है वो क्या है, एक डिफरेंट अलग फंक्शन है। ओके, अब ये इंटीग्रेशन में हमें दो अलग अलग फंक्शन मिल चुके हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन में हैं, और इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करना है। ओके, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, उसमें हम सब में पहले चेक करते हैं कि हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकेंड फंक्शन कौन सा है, और उस फंक्शन को हम किस तरह से चेक करते हैं, उस फंक्शन को चेक करने के लिए हम लिएट रूल यूज़ करते हैं। ओके, लिएट रूल हमें बताता है कि हमें कौन से फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना है और कौन से फंक्शन को सेकेंड फंक्शन। साइन टी ये कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हम यहाँ लिख देते हैं साइन टी, ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और यहाँ पर एक और फंक्शन है टी, इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, तो टी हो गया हमारा अलजेब्रिक फंक्शन। तो पहले कौन सा फंक्शन आया, अलजेब्रिक, तो टी हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और साइन टी हमारा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, वी गेट
क्या मिलेगा हमें, I इक्वल टू टू एज इट इज, उसके बाद में यास से ब्रैकेट लगाना है, बिकॉज ये जो टू है वो पूरे टर्म के लिए है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस तरह से यूज करते हैं हम, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू डी टी, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, उसके बाद में ब्रैकेट यूज करना है, ठीक है। हम स्क्वायर ब्रैकेट ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे अब कर्ली ब्रैकेट। डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पर वेरिएबल टी है, ठीक है, तो आप भूल कर भी एक्स लिखेंगे क्या, नहीं, टी ही लिखना है। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म डी टी, ब्रैकेट कंप्लीट, कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट, उसके बाद में फिर से लिखना है डी टी, और उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पर हमारी नेक्स्ट स्टेप हो जाएंगी, टू टाइम टी एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी क्या हो जाता है, माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी लिखना है हमें, इसलिए यास से यहाँ पर ब्रैकेट का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन, ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, डेरिवेटिव ऑफ टी वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी माइनस कॉस टी, ब्रैकेट कंप्लीट, डी टी, उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, टू टाइम माइनस टी कॉस टी, ओके। ये जो माइनस का साइन है इसे हम बाहर लेकर आ जाएंगे, तो ये माइनस माइनस गेट प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू कॉस टी डी टी, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, टू टाइम माइनस टी कॉस टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी, ये क्या हो जाता है, साइन टी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स, यहाँ पर वेरिएबल टी यूज किया हुआ है तो हम टी ही लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट प्लस सी, ओके। ये एग्जांपल यहाँ पर कंप्लीट हो गया क्या, अभी नहीं हुआ है, चाहे तो टू से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस टू टाइम टी कॉस टी प्लस टू साइन टी प्लस सी। अभी भी हमारा एग्जांपल कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज हमने यहाँ पर पुट किया था और हमारा एग्जांपल जो दिया हुआ है वो वेरिएबल एक्स में दिया हुआ है और हमारा आंसर वेरिएबल टी में आ रहा है, तो हम वापस से टी की वैल्यू क्या रखे हैं, हमने टी किसके लिए पुट किया है, रूट एक्स के लिए, तो जहाँ पर भी टी लिखा है वहाँ सब जगह हम क्या लिख देंगे, अब रूट एक्स, टू टाइम साइन रूट एक्स प्लस सी, ठीक है, ये अब यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो बस हमने क्या किया है, सब में पहले इस एग्जांपल में जहाँ पर भी आपको रूट दिखाई देगा तो आपको वहाँ पर सब में पहले क्या करना है, रूट एक्स इक्वल टू टी पुट करना है, और फिर पुट करने के बाद आप सभी को पता है हम क्या करते हैं, उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद में आप लोग को एक तरफ वेरिएबल एक्स लिखना है और दूसरी तरफ वेरिएबल टी, और फिर से हम हमारे गिवन एग्जांपल के फॉर्म में लिख देंगे,
तो हमने देखा कि हमें यहाँ पर फिर से दो फंक्शन मिल गए जो कि मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। वन मोर एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने जो एग्जांपल सॉल्व किया उसमें इन्वर्स नहीं था, यहाँ पर क्या है, अब टेन इन्वर्स रूट एक्स। सिर्फ क्या डिफरेंस है, पहले वाले एग्जांपल में इन्वर्स का साइन नहीं था और अभी इन्वर्स का साइन है। ओके, तो इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए भी हमें सेम कंसेप्ट का यूज़ करना है। इसका मतलब कि हमें फिर से यहाँ पर क्या करना है, रूट एक्स इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, वही सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर वन। सब में पहले हम क्या करेंगे, अब पुट करेंगे रूट एक्स इक्वल टू टी। जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसके बाद हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसका मतलब कि हम दोनों साइड में डी बाय डी एक्स अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है रूट एक्स और राइट हैंड साइड का टर्म क्या है, टी। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स वन अपॉन टू रूट एक्स इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। हमें यहाँ पर क्या करना है, डी एक्स को अब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाते हैं। एक तरफ हमने एक्स वेरिएबल लिखा और एक तरफ टी, लेकिन इस एग्जांपल में भी वन अपॉन टू रूट एक्स इस तरह का कोई टर्म हमें इक्वेशन नंबर वन में नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी हम वही करेंगे, रूट एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी। तो हमने किया यहाँ पर वन अपॉन टू टाइम टी इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब डी एक्स को जैसे का वैसा हम लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे और टू टाइम जो टी है उसे हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, टू टाइम टी इंटू डी टी। और ये जो डी एक्स की वैल्यू हमें मिली है उसे हम इक्वेशन नंबर वन में रख देंगे। ठीक है, तो हमें इक्वेशन वन अब क्या मिल जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन इनवर्स जैसे का वैसा रूट एक्स की जगह हम रखेंगे टी और डी एक्स की जगह हम रखेंगे टू टाइम टी इंटू डी टी। ओके, हमने इस एग्जांपल में अभी तक बिल्कुल सेम कंसेप्ट का यूज़ किया है। ओके, यहाँ पर भी हम टू को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखेंगे, टू टाइम टेन इनवर्स टी इंटू टी डी टी। यहाँ पर भी हमें दो टर्म मिल गए हैं, टेन इनवर्स टी एंड टी, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें यहाँ पर फिर से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करना है तो उसके लिए हमें सब में पहले यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन चेक करना है, और फर्स्ट फंक्शन कौन सा है सेकेंड फंक्शन कौन सा है ये चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं लिएट रूल, एल आई ए टी ई। ठीक है, ये सीक्वेंस आप लोग को याद रखना है। तो देखिए
यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में दिया हुआ है tan इनवर्स t, इनवर्स है इसका मतलब कि इनवर्स फंक्शन। tan तो है ही, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, लेकिन पहले क्या है, इनवर्स है, समझ में आ रहा है, उसके ऊपर इनवर्स है तो वो इनवर्स फंक्शन कहलाता है। ठीक है, tan इनवर्स t। सेकेंड टर्म है हमारे पास t है हमारा अलजेब्रिक फंक्शन। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा tan इनवर्स t और सेकेंड फंक्शन हो जाएगा हमारा t। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करते हैं और देखते हैं कि हमें अब क्या सलूशन मिलता है। I equal to 2 time bracket, क्या कंसेप्ट है हमारा, first into integration of second dt minus integration का साइन, curly bracket, उसके बाद derivative of first term tan इनवर्स t into integration of second curly bracket complete into dt square bracket complete, okay? I equal to 2 time tan इनवर्स t एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ टी क्या हो जाता है, यहाँ पर टी के ऊपर पावर में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, वन है। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या हो जाता है, एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी। ओके, तो n की जगह यहाँ दिया है 1, तो 1 प्लस 1 2, तो हम लिखेंगे t स्क्वायर बाय 2। ओके, माइनस साइन एज इट इज, इंटीग्रेशन ब्रैकेट, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स t क्या हो जाता है, 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी, अभी हमने देखा टी स्क्वायर बाय 2, कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट, डी टी स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल टू 2 टाइम टेन इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर बाय 2 एज इट इज, माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर डिनोमिनेटर में जो 2 है उसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कर्ली ब्रैकेट के अंदर अब हमारे पास कौन कौन से टर्म है, 1 इंटू टी स्क्वायर इन द न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी ब्रैकेट कंप्लीट। अब हमें क्या सॉल्व करना है, कितना पोर्शन, सिर्फ इतना टर्म, ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हमारे स्टैंडर्ड इंटीग्रल में है क्या, नहीं। और इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, अगर ये आप लोगों को याद आ गया इसका मतलब कि आपकी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट है करके, बिकॉज कि ऐसा कोई भी टर्म देख के आप लोग को याद आना चाहिए कि हम इस तरह का कोई टर्म पढ़ चुके हैं, कोई इस तरह का इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं या नहीं, हम इस तरह के इंटीग्रेशन को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस करके। ओके, उसमें हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल वाला टर्म रहता है इन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में वो सेम रहता है और हम
सिर्फ कांस्टेंट को न्यूमरेटर में क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ओके तो वही कंसेप्ट हमें यहाँ पर यूज़ करना है। अगर याद नहीं आया होगा तो पहले के आप लोग को वीडियो देखना है, आप लोग ने जो नोट्स बनाए होंगे आप लोग को वो नोट्स चेक करना है। ओके टू टाइम टेन इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर बाय टू माइनस वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ। मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि कभी भी वेरिएबल एडजस्ट नहीं करना है। टी स्क्वायर ऑलरेडी है, ठीक है, और उसके सामने प्लस का ही साइन है। कोई साइन नहीं है इसका मतलब कि प्लस का ही साइन है। आपको उसके पहले क्या चाहिए है, प्लस वन। तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस वन, और उस प्लस वन को सेटिस्फाइड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस वन लिखेंगे। ओके इंटू डी टी ब्रैकेट कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप में जो डिनोमिनेटर का टर्म रहता है और वैसा ही सेम टर्म हम जो न्यूमरेटर में एडजस्ट करते हैं उससे क्या करते हैं, न्यूमरेटर को सेपरेट कर देते हैं। ओके तो अब हम उसे सेपरेट करेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म जैसे का वैसा, टू टाइम टेन इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर बाय टू माइनस वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वायर माइनस वन बाय वन प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट डी टी, ठीक है। इक्वल टू टू टाइम, फिर से फर्स्ट टर्म जो है हमारा माइनस साइन के पहले का वो जैसे का वैसा ही रहेगा। यहाँ से वन प्लस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर गेट कैंसल। ओके तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, सिर्फ वन। ओके तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर हो गया वन। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये टर्म आप एडजस्ट करोगे और कैंसिल होने के बाद हमेशा क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म वन माइनस वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। डी टी के बाद भी हमें ब्रैकेट लगाना है, टू टाइम टेन इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर बाय टू माइनस वन बाय टू। अब हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों ही टर्म को सेपरेटली इंटीग्रेशन और डी टी प्रोवाइड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय वन प्लस टी स्क्वायर डी टी। ये कर्ली ब्रैकेट भी कंप्लीट हुआ और उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट भी हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम अब क्या कर सकते हैं, सिर्फ हमें इंटीग्रेशन लिखना है। फर्स्ट टर्म हमने जैसे का वैसा लिख दिया, वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ वन टी क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ वन टी हो जाता है। ये हमारे स्टैंडर्ड इंटीग्रल में दिया हुआ है माइनस, ये बस अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा एग्जांपल कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या आप लोगों को इसका इंटीग्रेशन पता है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर याद आया, टेन इनवर्स एक्स
बट यहाँ पर वेरिएबल टी का यूज़ किया हुआ है, इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर टेन इनवर्स टी। ओके, अब हमारा ये कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट, उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट प्लस सी। अब हम ये जो टू लिखा है उससे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू टाइम टेन इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर बाय टू माइनस टू टाइम सॉरी टू बाई टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर टी माइनस टेन इनवर्स टी। ओके, प्लस सी, टू एंड टू गेट कैंसल, यहाँ पर भी टू एंड टू गेट कैंसल। ओके, ये टी स्क्वायर को हम स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स टी। ये जो माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन से हम कर्ली ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस टी के सामने में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कि प्लस का साइन है। तो माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस गेट, ये वाले माइनस साइन से ये माइनस का साइन भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस गेट प्लस टेन इनवर्स टी प्लस सी। आप सभी को ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर ये लगाना कंपलसरी है, और ये यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है, आप लोग इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे कि माइनस साइन से ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा। ओके, नहीं तो आपके आंसर में क्या हो जाता है, जो लास्ट स्टेप में यहाँ पर प्लस आया है ये भी आपका माइनस आ जाता है, और जिससे कि आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ लास्ट में टी की वैल्यू पुट कर देना है, फिर हमारा एग्ज़ाम्पल फिनिश हो जाएगा। क्यों पुट करना है, बिकॉज कि हमारा जो एग्ज़ाम्पल है वो काय में दिया हुआ है, वो वेरिएबल एक्स में दिया हुआ है। तो हमने क्या किया था, टी किसके लिए पुट किया था, रूट एक्स के लिए। तो ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, वो क्या है, सिर्फ ये फर्स्ट टर्म में रूट और स्क्वायर को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो सिर्फ यहाँ पर हो जाएगा एक्स टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। ओके, वही सेम कंसेप्ट जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था वही हमने यहाँ पर भी यूज़ किया, वहाँ पर सिर्फ इन्वर्स नहीं था, यहाँ पर इन्वर्स था। तो इन्वर्स होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा टर्म डिफरेंस, थोड़ा तो डिफरेंस आएगा ही, तो यहाँ पर आप लोग को एक रैशनल फंक्शन भी मिल गया, और आपने यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ साथ रैशनल फंक्शन की जो मेथड होती है वो भी यहाँ पर यूज़ की। साथ में हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी इस एग्जांपल में यूज़ किया। ओके, ये आप लोग के लिए असाइनमेंट है, ठीक है, आप लोग को इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तभी आपके कंसेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे। अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम कि हमारे इस कोर्स आउटकम यूनिट नंबर 2 के कोर्स आउटकम के लिए कौन कौन से पीओ यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। तो इसके लिए हमारा PO1 बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये सेटिस्फाइड होता है। आवर अपकमिंग टॉपिक इज एग्जांपल्स बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।